अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ टिप्स सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी ब्लॉग्स और साइट की अर्निंग एंड ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं और वो कौन सी 5 टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम हम इंक्रीज कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों को अभी गौर से सुनिए और इन्हें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक कस्टम डोमेन होनी चाहिए किसी कस्टम और बेस्ट वेबसाइट से, जैसे होस्टगेटर या मुख्तलिफ और पॉपुलर साइट्स, होस्टिंग साइट्स जो प्रोवाइड करती हैं आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे आपकी डोमेन खरीदी गई हो और वो डोमेन आपकी www.com में हो या जिस में आपकी आपको आपके अंडर यानी कि जो आपकी अमाउंट है उसके अंदर आपके पास अच्छी हो, लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलर होनी चाहिए वो .com या .net में हो। ये ज़्यादा यानी कि बेहतर होती है डोमेन। तो कस्टम डोमेन ऐसे होती है कि बहुत से लोग जो नए यूज़र्स होते हैं ब्लॉगिंग में या साइट्स में, तो वो मुख्तलिफ ब्लॉगिंग की फ्री सर्विसेज, वर्डप्रेस की फ्री सर्विसेज, वेबिज की फ्री सर्विसेज और वेबली की फ्री सर्विसेज पे जाके काम स्टार्ट करते हैं, और कुछ को फाइनेंशियली मसला होता है जिसकी वजह से वो डोमेन या होस्टिंग नहीं ले पा सकते। लेकिन आप जितना अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम को बिल्कुल सही तरीके से और थोड़े से पैसे से खर्च करके करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आपके ये जितने पैसे हैं ये वापस आ जाएंगे, बल्कि इसकी कई गुना, ये तो आप वैसे एक पोस्ट पे आपको इतने पैसे आ जाएंगे जितनी एक उसकी डोमेन की प्राइस होगी। तो इसकी बात की आपने फिक्र नहीं करनी, थोड़ा सा स्टार्टअप में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये डोमेन वगैरह लेना और ये तमाम काम करना, लेकिन आपने सब्र के साथ और अच्छे तरीके से काम करना है ताकि आपकी डोमेन जो है वो गूगल के सर्च में बेस्ट बेस्ट आ जाए और इसकी बैक लिंक्स अच्छी बन जाए। इंशाल्लाह तमाम कंप्लीट कोर्स इसका लॉन्च करेंगे। आप हमारे पास जो वीडियो को चैनल, आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, IT लर्निंग ट्यूट्स के नाम से ये चैनल है। इंशाल्लाह मज़ीद भी आके आपको मुख्तलिफ सर्विसेज एंड मुख्तलिफ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है कस्टम टेम्पलेट। टेम्पलेट्स वैसे तो बहुत सी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में YouTube पे Google पे सर्च करें तो आपको एक काफ़ी अच्छी टेम्पलेट मिल जाएगी। अच्छी टेम्पलेट तो मिल जाएगी, लेकिन आपने SEO फ्रेंडली टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है। जो भी विजिटर आता है आपकी साइट पे, सबसे पहले वो आपकी डिज़ाइन को देखता है, साइट की डिज़ाइन, साइट के ऊपर जो उसकी मेन्यू बार है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साइट का लेआउट कैसे है, साइट्स में एड्स कहाँ पे हैं, साइट्स में पोस्ट किस तरह की हैं, साइट्स कितनी जल्दी खुल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें इन SEO फ्रेंडली में आती हैं और इन चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने वो टेम्पलेट चूज़ करनी है ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आपके विजिटर्स बार बार आपकी साइट को लॉग इन करें, ना कि आपके विजिटर एक दफ़ा आएँ और कहें कि ये तो ऐसी साइट है, इसमें तो बहुत हैवी साइट है, इसमें कलरिंग सही नहीं है और इसमें लोड काफ़ी है, ये ओपन सही नहीं हो रही, इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं जो SEO फ्रेंडली टेम्पलेट्स नहीं होती। तो आपने SEO फ्रेंडली टेम्पलेट या बाय करनी है या अच्छी सी चूज़ करनी है या आपने डिज़ाइन करनी है, तो ये तीनों काम में से आपने एक करना है। नेक्स्ट आपने है कि आपने कॉपीराइट कंटेंट्स को यूज़ नहीं करना अपने ब्लॉग के अंदर या साइट के अंदर, और अपना कॉन्टेंट यूज़ करना है। बहुत से न्यू ब्लॉगर या साइट्स के जो यानी कि यूज़र्स होते हैं वो अपना ब्लॉग या ब्लॉगिंग या साइट्स का, हर किसी को अपना शौक होता है, लेकिन वो दूसरे ब्लॉगिंग का या साइट्स का वो मवाद उठा लेते हैं, कंटेंट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती हैं। स्टार्टअप में वो एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस की पहली पॉलिसी है कि आपको कॉपीराइट कंटेंट नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन डिसअप्रूव हो जाती है, तो उस जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एडसेंस ऐसे है एडसेंस ऐसे, तो ये मसला नहीं होता, बल्कि आपने सबसे पहले जब आप एडसेंस को अप्लाई कर रहे हो तो उनकी तमाम चीज़ों को देख लिया करें। और इसके अलावा आपने कंटेंट बहुत अच्छा सा चूज़ करना है जो जिस पे आपको, वो आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होगा,
लेकिन आपने कभी राइट कॉन्टेंट कभी भी यूज नहीं करना। आपने थोड़ा लिखें, अपना लिखें, वीडियो साथ आप बना के लिख दें, जो लिखा है आपके उसी की वीडियो बना दें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो है फोकस ऑन योर इंटरेस्ट, यानी कि चौथी जो टिप्स है इसके लिए मेन, कि अपने इंटरेस्ट पे फॉलो करें, यानी कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी या ब्यूटी या किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट है तो आप उसी इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए अपनी साइट स्टार्ट करें, ना कि आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और आप फुटबॉल की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। तो इससे ऐसे होगा कि जिससे में आपका इंटरेस्ट होगा उसको पोस्ट करने में भी आपको मज़ा आएगा और आपको दिल करेगा कि आप पोस्टिंग करें, आपको उसके बारे में नॉलेज होगा और आप मुख्तलिफ वो तमाम चीज़ें आपके पास होंगी जिसकी वजह से आप वो साइट चला रहे हैं। और आपको जब स्टार्टअप में इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा उसकी पोस्टिंग होगी, विजिटर्स होगी, अच्छे कंटेंट होंगे, तो आपका बिजनेस भी ज़्यादा आएंगे, आपकी इनकम भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है कि आपने सब्र का मुजाहरा करना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, ना कि मुख्तलिफ जो यानी कि इलीगल वेज हैं उनसे को इस्तेमाल करते हुए कुछ वक्त के लिए अच्छी ट्रैफिक ले आएं, या इलीगल तरीक़ों से फेसबुक पे प्रमोटिंग करें, या मुख्तलिफ जो नेटवर्किंग या मार्केटिंग साइट्स हैं उन पे आप नहीं करें, बल्कि आप अपने एसईओ करें अपनी साइट की। वो एसईओ किया है क्या है उसकी भी आपने लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लॉगर का एसईओ कोर्स होगा तो उसमें आप तमाम चीज़ें सीखेंगे। इनशाला हमारा ब्लॉग भी होगा तो उससे भी हमें आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह अपने ब्लॉग पर काम करते हैं और आप भी किस तरह कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने यानी कि इसे इनको फॉलो करना है। पेशेंस यानी कि आपने सब्र का मुजाहरा तो जरूरी करना है। ये नहीं होता कि आपने आज काम स्टार्ट किया तो आज ही आपकी प्रॉफिट आ गया। कोई भी काम हो तो उसमें प्रॉफिट पहले दिन नहीं आता, बल्कि आपको उसकी जो अब वो आपका कंपनी या कोई भी नेटवर्क जो जब एक फैल जाता है किसी भी एरिया में आपने स्टार्ट किया, यानी कि आपने ग्लोबल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स पे आपने अपना काम स्टार्ट किया है WWW पे, तो वो इतनी जल्दी पहले दिन में सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वो काम कर रहे हैं। तो जब वो आपका एक मकाम पे यानी कि एक ब्रांड बन जाएगा और एक जगह पे आपकी प्रमोटिंग हो जाएगी, तो जब वो तब तब आपको वहाँ पे अच्छा और गुड रिजल्ट वहाँ पे आपको सामने आएगा। तो ये चंद चीज़ें आपने फॉलो करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने दोस्तों को ये टिप्स बताने के लिए इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।